मेरे और अन्नू के पापा के बारे में तुम्हें पता चला, तुम्हारा क्या रिएक्शन था जब पहली बार पता चला कि हाँ मैं इस लड़की से शादी करूँगा? तो जब मैं मायके में हमारे बारे में पता चला तो बहुत मतलब थोड़ा रिएक्शन हुआ था, थोड़ा टाइम लगा था शादी करने में, तुम एकदम से। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, एक बार फिर से स्वागत है। होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के टाइम से, 1 बज गया है और अभी हो रही है हमारी लंच बनाने की तैयारी। आज थोड़ा बहुत ज़्यादा लेट हो गया है व्लॉग स्टार्ट करने में, और मैं ऊपर इसलिए देख रही हूँ ना बार बार क्योंकि वहाँ से इतना काला मौसम हो गया है। रुको मैं दिखाती हूँ, वो देखो, देखा बहुत ही भयंकर मौसम हो गया है, ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में बारिश ही आ जाएगी। आज हम कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं। पहले तो दरवाज़ा लगाती हूँ क्योंकि ना यहाँ से बिल्ली घुस जाती है, खुला रहता है ये दरवाज़ा। तो हम लोग ना डेली डेली दाल चावल दाल चावल दाल चावल खा रहे थे, तो मैंने सोचा ना आज आलू की सब्जी बनाते हैं। तो मैं आलू को ना इस तरीके से कूट ली हूँ, मतलब कूट रही हूँ, थोड़े कूट लिए, थोड़े और कूट रही हूँ, और साथ में रखी है मैंने चाय। ये देखो चाय उबलने तक का वेट कर रही हूँ, बाकी तब तक का मेरे ये हो जाते हैं आलू कट करके थेच लेती हूँ इनको। आलू का थेचा जैसा बना रहे हैं, मतलब उसकी दाल सब्जी टाइप की, आलू का साग। तो मैं जैसे ही अपने ये वाले रूम में आई ना, मैं अभी किचन में ब्लॉग कर रही थी, तो मैं इधर आई, अनाया उठ के तब तक अपने खिलौनों के साथ इस तरीके से खेल रही है, ये देखो। इसको मैं सुला के गई थी और चुपके से उठ के ये खिलौने से खेल रही है, इसको खेलने देते हैं, बाकी हम अपना काम निपटाते हैं। अभी ना बारिश आ जाएगी तो फिर मैंने कपड़े भी मशीन में डाले हैं, वो भी सुखाने हैं, वो भी नहीं सूख पाएंगे फिर बारिश अगर आ गई तो जल्दी से पहले ये काम निपटाती हूँ। और बादल आ रहे हैं, धूप आ रही है, कभी बादल आ रहे हैं कभी धूप आ रही है, तो इस तरफ से भी आपको मैं मौसम दिखाती हूँ। ये देखो बादल, बहुत ही भयंकर बादल लगे। चलो अब हम किचन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। यार मैं आप लोग को ना बहुत सारी रेसिपी बताते रहती हूँ, तो आप लोग घर में ट्राई करते हो कि नहीं मुझे भी बताना। एक बार तो पहले मैं सूजी की रोटी बनाती थी ना, तो मेरे से काफ़ी लोग पूछते थे तू कैसे बनाती है वो सूजी की रोटी, बहुत टेस्टी दिखती है, हमें हमसे तो बनती नहीं है, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती हूँ ना इसलिए। और अगर मेरा कुकिंग का चैनल होता तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती, अब मेरा ब्लॉग तो मैं इतना अगर खाने के बारे में बताऊँगी तो फिर मेरा ब्लॉग कब बनेगा ना, उसी में टाइम निकल जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ ना आप शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, आप लोग के साथ डिश भी शेयर करूँ, मतलब बहुत सारे आइडिया है दिमाग में, तो पर यार करूँ क्या क्या करूँ ना, ऐसा भी हो जाता है। चलो अभी देखो आलू और टमाटर को ना मैंने ऐसे कद्दूकस नहीं यार, ये थेज के बनाया मैंने। अगर हम कद्दूकस करते हैं ना उसका अलग टेस्ट आता है, लेकिन थेज के वाले का अलग टेस्ट आता है। बहुत पहले हमारे मतलब मेरे ना मायके में आमा बनाया करती थी मेरी आमा, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, पर मेरे को याद है वो कैसे बनाती थी, तो मैं उसी तरीके से आज अपने घर में भी ये बना रही हूँ। चलो जिसको दाल खा खा के बोर हो गए ना, अगर डेली डेली दाल खा खा के बोर हो गए तो इसको बना के ट्राई करो, बहुत ही बढ़िया होता है। दगड़ियों आलू साग इस बन रहा, देख मैं खा लेती हूँ और उसके बाद मिलते हैं। अभी ना गैस की गाड़ी भरवाई और कितनी लंबी लाइन लग के मैं वो करके आई, पर्ची कटा के लाई और फिर यहाँ से गैस भरवाई है। हमने पिछली बार भी नहीं भरवाई थी, इस बार भरवा ली। अभी सिलेंडर नीचे ही है, उसको लाना है ऊपर को, मम्मी और मैं लग लुक के लाएंगे। तो भात खा लो, आ जाओ। आलू का साग भात बहुत अच्छा हो रहा है। दिन में इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था उसकी वजह से ना हम लोग अंदर छुप गए थे, मतलब बिस्तरों में छुप गए थे, मम्मी को भी जाड़ा हो गया था। ये है मम्मी जी, वही अच्छा कपाल में बुखार आ रहा हूँ, हाथ में आया, हाथ ठंडा है रेन। तो आज मम्मी जी से ना एक सवाल पूछती हूँ। देखो मेरे और अन्नू के पापा के बारे में तुम्हें पता चला, तुम्हारा क्या रिएक्शन था जब पहली बार पता चला कि हाँ मैं इस लड़की से शादी करूंगा या ऐसा कुछ, या फिर पता चल की पूछो मेरे को ठीक भयो या कौन है भी और मेरी अच्छे को है क्या कर दी और मेरे जेठ जी ने क्या कहा? तो ना मम्मी से मतलब मैं पूछना चाह रही हूँ, मैं जानना भी चाह रही थी, मेरे को पता भी नहीं था कि जब पहली बार घर में पता चला होगा ना कि हम दोनों मतलब एक दूसरे से बात करते हैं और मतलब रिश्ता आगे बढ़ाने की बात की होगी इनने घर में, इनने बताया कि इनने तो बताया नहीं था वैसे घर में, अगर बताया होता तो हमारी अभी तक 2 बच्चे हो गए। चिताई लगा कि बात भैंस हो,
काटते काटते काटिया मजाक ना भाई बस मजाक करनी है मजाक करनी हो मम्मी सब हंस लगे करनी हो कोई हंस लो हंस आओ तुम तो कला हंस तुम तो तुम लाफिंग वाला उलर आ जाऊं तुम तबले में आ जाओ तो मम्मी से ये पूछना चाह रही थी कि मतलब पहले क्या हुआ था घर में जब पहला तुम के पता चल गया बहुत आया हमी के पता चल गया दोनों ने कब चल गया मैं पता कब चले हो 3-4 साल पहले 3-4 साल तो तुमरो रिएक्शन की छो मेरे ठुलचे लोग ब्याह ना कर रहा या फिर एक करा दियो ना करूं इस वालो फिर की बात है भाई ना बेबी जाने तो जोरे बोल ले ताकि दर्शक भी सुने जोरे बोल ले मम्मी बताने की मतलब घर में की सबकी की कुन नौज है के ना अभी कुनो में कुना ला लाग रे सब बात कुनी मैं भगवान जी में कह दी तो जब मैं मायके में हमारे बारे में पता चला तो बहुत मतलब थोड़ा रिएक्शन हुआ था थोड़ा टाइम लगा था शादी करने में तुम एकदम से मान गए थे कि हाँ कर ले शादी एकदम से मान गए थे यहाँ तो मम्मी जी मतलब सीधी शादी हैं मान गई होंगी वैसे आजकल लड़कियाँ मिली कहाँ रही हैं उनने मन से ढूंढी डायरी तो ये मान गई और अभी मेरे जो जेठ जी हैं ना वो नहीं माने थे वो उन्होंने थोड़ा बहुत ना उन्होंने थोड़ा बहुत बोला था कि अब परिवार में एक में ऐसा होना भी पड़ता है जैसे मेरे मायके में मम्मी और यहाँ पे दादा मम्मी ना कुछ नहीं मतलब वैसे नहीं अब स्टार्टिंग में ढूंढा है करके थोड़ी डांट तो पड़ती है पहले मना कर रही थी फिर बाद में हाँ ही बोल दिया ऐसा तो होता ही है ना आम के पास चल छे थे कस्बा ब्याह न हो गए खुश मम्मी जी बहुत धीरे बोल रही हैं आपको सुनाई दे रहा है नहीं सुनाई दे रहा पता नहीं बट यहाँ कोई रिएक्शन नहीं था मतलब खुश हुए थे सभी लोग मिल गई है करके कर ही देते हैं करके ठीक है चलो 4 बज गए हैं चाय वाय पी लिए यहाँ पे बैठ के और अभी ना धूप आई थी थोड़ी सी अब चली गई है धूप भी मम्मी भी जा रही हैं मोतीराज को और वहाँ पता नहीं कुछ काम है वह लकड़ी लेने जाना है फिर वहाँ से आके सब आज कितने दिनों के बाद ना मैंने शाम को रेस्ट किया बाप रे इतना मतलब आज भी बड़ा हो जाता है ना अगर थोड़ी देर रेस्ट कर लो तो मतलब एक अलग ही एनर्जी आ जाती है और शाम के टाइम की चाय बन रही है फिर से चाय बनाते हुए ही मिल रही हूँ मैं आज आपसे और मम्मी लेके आई है पालक देखो हमारे खेत में हो रखी है हरी हरी पालक और बिल्कुल ऑर्गेनिक है ये आज इसी की सब्जी बनने वाली है अब थोड़ा पालक और बच रहा है मैंने रख दिया है और उसका ना हम साग बनाएंगे कल दिन में आज आलू का साग बनाया था कल पालक का साग बनाएंगे और मेरी बेटी ना मेरे साथ सो गई थी और अभी भी सो ही रही है फटाफट से आटा वगैरह गूंध लेती हूँ और उस तरफ के किचन में जाएंगे वहीं बनाएंगे खाना क्योंकि आग वाले किचन में हम गैस की बचत कर रहे हैं ना तो लकड़ी जलाएंगे और वहीं अपना खाना बनाएंगे चाय बन गई मम्मी जी पता नहीं कहाँ चली गई और तो उनका इंतज़ार करती हूँ चाय के लिए बस गैस बंद और कल का सॉरी कल का मैदा बच रखा है इसके बना लेंगे हम सेम कल का मैदा फ्रिज में रख दिया था समोसे के लिए थोड़ा ज़्यादा लग गया था ना तो वो मैंने फ्रिज में रख दिया अभी अब इसके सेम बना लेंगे अब म्यारो सागी है गो जवाना इखानी खोज भली भाली बाना इंस्टाग्राम में मैं जब भी पहाड़ी गाने में रील बनाती हूँ ना आप लोग के कमेंट आते हैं कि हमें ये गाना समझ ही नहीं आ रहा तो आप लोग मुझे ये बताना ना आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो मतलब इंस्टाग्राम पे तो आपको भाषा पहाड़ की भाषा नहीं समझ आ रही तो उसमें कहते हैं ना मेरा बच्चा बड़ा हो गया है इसके लिए लड़की ढूंढ दो ये बिगड़ रहा है दिन भर बीड़ी फूंकता है माँ वो जो खाते हैं ना वो और दिन भर घूमते रहता है ये है उस गाने का मतलब थोड़ा पहाड़ी भाषा में है ना इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा कमेंट करना नेक्स्ट जब मैं रील बनाऊँगी ना कि आप कौन सी जगह से देख रहे हो करके इंस्टाग्राम की वीडियो और जो लोग इंस्टाग्राम में देखते हैं क्या यूट्यूब में भी देखते हैं और क्या फेसबुक में भी देखते हैं मतलब कोई ऐसे होंगे जो तीनों जगह देखते होंगे कोई ऐसे होंगे सिर्फ यूट्यूब में ही देखते होंगे और उनको पता नहीं होगा कि इंस्टाग्राम में रील्स भी डालती हूँ मैं तो देखना ज़रूर है।